नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आशीष कटारिया आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सीखेंगे मोबाइल से पोर्ट्रेट स्केच करना। तो उसमें कुछ नया तो नहीं है, पर हम जैसे लाइव स्केच करते हैं वैसे ही हमें थोड़ा ऑब्जर्व करके फोटोग्राफ से जैसे करते हैं वैसे ही हमें मोबाइल से करना है। तो आइए देखते हैं और सीखते हैं, लर्न आर्ट फ्रॉम आर्टिस्ट आशीष कटारिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आशीष कटारिया आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल ऑप्शन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं और सीखते हैं मोबाइल से पोर्ट्रेट। ये हमारे एक दोस्त का, गुरुप्रित का पोर्ट्रेट हम बनाएंगे आज। तो सबसे पहले मैंने जो पगड़ी है उसकी दोनों साइड की लाइंस बना ली है और आईब्रोज और आंखों से शुरुआत कर रहे हैं। ये पोर्ट्रेट मैं पेन से बना रहा हूँ। दोनों आंखों का बैलेंस करते हुए दोस्तों, जब लाइव पोर्ट्रेट बनाते और किसी फोटो से या मोबाइल से फोटो से बनाते हैं हम, तो उसमें थोड़ा सा फर्क रहता है, क्योंकि जो मोबाइल से दिख रहा है उसमें आपको डेप्थ नहीं दिखेगी और फोटो में वो थोड़ा सा आपको उतना डिटेलिंग नहीं मिल पाता है। पर अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो फोटो से भी अच्छे से अच्छा आप पोर्ट्रेट बना पा सकते हैं। नोज के बाद देखिए मुस्टेज भी बन गई है। लिप्स की सेंटर लाइन अब ये बियर्ड भी धीरे धीरे हम शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, जिस साइड की हेयर हो उसी साइड के स्ट्रोक्स लगे तो और भी थोड़ा अच्छा लगता है। जहां पर लाइट हेयर दिख रहे हैं, मतलब कि थोड़े कम हेयर है, वहां पर मैं पेंट को थोड़ा हल्के से स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, उसकी वजह से उतना लाइट इफेक्ट आएगा उधर। और जहां पर डार्केस्ट है, ज्यादा हेयर है, वहां पर मैं थोड़ा ज्यादा डार्क स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, तो वो थोड़ा ज्यादा डार्क होगा। दोस्तों, ऑलमोस्ट फेस तो तैयार हो गया है। अभी ये शर्ट और टाई बना लेंगे और लास्ट में हम पगड़ी को थोड़ा आउटलाइन दे देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी से आप कर पाएंगे। मेन दो ही चीज़ है, ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और ऑब्जर्व करके करते हैं तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रंट है इसलिए पगड़ी का थोड़ा सा शेप इस तरह होगा। थैंक यू सो मच।